आज हमारी महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी यहाँ आई हैं, उनका स्वागत है रामलीला कमेटी की ओर से। और वो धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और समाज सेवा में सभी जानते हैं वो आगे रहती हैं। रामलीला और राम बारात और जनकपुरी ये हमारे तीन पार्ट हैं और तीनों में विकास कार्यों में नगर निगम की सदैव बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जहाँ भगवान राम का नाम चलता है वहीं भगवान राम के नाम पर विकास कार्य भी होती हैं। और अभी 12 बजे नगर निगम में जनकपुरी और रामलीला कमेटी के साथ महापौर जी और उनकी टीम पूरी बैठने वाली है। रामलीला मैदान का महापौर जी ने आज निरीक्षण किया है और मुझे विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण आश्वस्त हूँ कि जितने भी नगर निगम संबंधी काम हैं वह काम महापौर जी के नेतृत्व में पूरे हो जाएंगे। और जो लाखों जनता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेती है वो इसमें सुगमता पूर्वक भाग लेगी। 145 वर्ष पुरानी यह रामलीला अपना रिकॉर्ड अपने आप तोड़ती है। इस बार रामलीला में बहुत कुछ परिवर्तन भी आप लोगों को नज़र आएगा। हमारी पूरी रामलीला कमेटी हमारे महामंत्री श्री राजीव अग्रवाल जी के साथ में पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। जनकपुरी में भी बहुत अच्छे काम चल रहे हैं, मानो पूरा आगरा इस रामलीला के लिए उत्सुक है कि इस बार रामलीला कैसी होगी। अभी फर्स्ट विजिट है मेरा और माननीय विधायक जी जो कमेटी के अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री जी राजीव जी उनके साथ और नगर निगम की पूरी टीम हमारे साथ पूरे अधिकारी हैं। तो अभी फर्स्ट विजिट है मेरा, तो जो भी अभी यहाँ पर हम लिखित रूप में भी मुझे कमेटी ने दिया है और जो भी मुझे यहाँ पर कमियाँ दिखाई देती हैं, तो आप लोग भी जानते हैं कि उत्तर भारत की सबसे प्रसिद्ध रामलीला यहाँ पर हमारे आगरा में होती आई है और 145 भी अभी मुझे पता चला 145 भी इस बार रामलीला होगी। तो एक बहुत ही हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतनी बड़ी रामलीला हमारे यहाँ पर कमेटी द्वारा कराई जाती है। और मैं नगर निगम की टीम हमारे साथ है, मैं जो भी कमियां होंगी चाहे हमारे राम बारात को लेकर राम बारात जहाँ जहाँ से निकलेगी वहां पर भी जो कमियां होंगी और रामलीला ग्राउंड में जो भी कमियां होंगी तो उसको हम बहुत जल्दी अतिशीघ्र उसको कमियों को दूर करेंगे। मेट्रो का भी काम चल रहा है तो मेट्रो का काम चल रहा है लेकिन मेट्रो के अधिकारी हमारे साथ हैं, विजिट में हैं और वो बोल भी रहे हैं कि जो भी उनको लगता है कि यहाँ से सामान हटा देना चाहिए या जो भी उनको हम लोगों को जो व्यवस्था चाहिए रामलीला कमेटी को जो व्यवस्था चाहिए वो व्यवस्था वो लोग करके देंगे। थैंक यू।